अभी तक हमने लास्ट टाइम जो है वो वी डिड द थ्री यूनिट्स इन अकाउंट्स, ओके। फर्स्ट यूनिट वाज द इंट्रोडक्शन, ठीक है, इन विच वी टोटली कवर्ड द बेसिक्स ऑफ द अकाउंटेंसी। इन द सेकेंड यूनिट वी डिड द जर्नल, ठीक है। इन द थर्ड यूनिट वी डिड द लेजर्स। बाकी जो जितने भी बाकी के नोट्स थे उसके लिए मैंने आपको, बाकी जो यूनिट्स थे उसका मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे, ठीक है। तो इसमें ऐसा है बेटा, जो अगर आपने, आपको किसी को भी अगर जर्नल है, लेजर्स हैं, अगर वो क्लियर नहीं है तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मैंने देखा कि अभी तक जब मैंने आपके हाफ ईयरली एग्जाम के जो पेपर्स थे वो मैंने चेक किए हैं, सम स्टूडेंट्स दे डिड वेल, मतलब दे स्कोर्ड मोर देन 40, 43, 44, 45, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, दे मतलब कि दे डोंट स्कोर इवन 20 मार्क्स। 20 मार्क्स इज द मिनिमम मार्क्स टू पास इफ समबडी वांट्स टू पास, ठीक है, इन अकाउंट्स। तो उनके 20 भी नहीं आए, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, 10-12, किसी के 10 है, किसी के 8 है, तो दे नीड टू बी, ठीक है, वर्क हार्ड नाउ। उनको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि अकाउंट्स मैंने आपको पहले शुरू में भी बताया था, इट रिक्वायर द प्रैक्टिस, ठीक है, इट रिक्वायर, ठीक है, हार्ड वर्क। तो यू नीड टू बी, ठीक है, सीरियस नाउ अबाउट, स्पेशली अबाउट द अकाउंट्स, क्योंकि अगर फाइनल में फिर मुश्किल हो जाएगा जुलाई में। तो मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जब भी तक हमने जितना भी जो सिलेबस किया है, पहले मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको बता देता हूँ, ताकि आपको जो है वो प्रीवियस जितना भी हमने किया है उसको थोड़ा सा जो है वो उसके नटशेल में या ब्रीफ में, उसके इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपकी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ ऑफ द रूपी इन द डिफरेंट डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे हमने, आपने देखा होगा कि कोई भी अगर जो बिजनेसमैन होता है वो हर एक 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 जितना भी उसके बिजनेस में सेल हो रही है, परचेज हो रही है, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या आपके पास जो है वो, ठीक है, जितना भी आप पैसा खर्च कर रहे हो, जितना भी पैसा आपके पास आ रहा है, उन सबको वो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए मैंने आपको बुक कीपिंग का कंसेप्ट बताया था, क्योंकि ओरली जो है वो कोई भी स्टूडेंट जो है वो एक तरह से ये चीज़ें ध्यान में नहीं रख सकता, क्योंकि अगर आप, ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जितना भी मनी है, जितना भी आपके पास जो है वो मनी का इनफ्लो है, आउटफ्लो है, वो सारा आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट आर्ट इज कॉल्ड द बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग के अंदर हम जर्नल बनाते हैं, लेजर्स बनाते हैं, अभी हम आगे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, बहुत सारी सब्सिडरी बुक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको अकाउंटेंसी के बारे में बताया था, ठीक है। देखिए, द मेन डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इज, ठीक है, वी डिस्कस इन द क्लास, दैट वॉज द आर्ट, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, ठीक है, इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, ठीक है ना। जैसे हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी मतलब एक तरह से आर्ट है, आर्ट का मतलब क्या है, कला है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम जितने भी एक तरह से, ठीक है, मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, ओनली द ट्रांजेक्शन्स विच आर रिलेटेड टू द मनी, ठीक है, उन सबको हम रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले रिकॉर्डिंग हमने कर ली है, रिकॉर्डिंग हमने की है जर्नल में, तो हमने जर्नल बनाए थे, ठीक है। उसके बाद आता है क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग हमने किया है लेजर्स में, इन लेजर्स वी क्रिएटेड द सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, ठीक है। और समराइजिंग जो है वो भी हम आगे करेंगे इन 8th यूनिट, दैट, ठीक है, दैट इज फाइनल अकाउंट्स, वो उसके अंदर हम कवर करेंगे। तो अभी हम सिर्फ रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग पे हम पहुंचे हैं अभी तक। क्लासीफाइंग में मैंने आपको जैसे लेजर के बारे में बताया था कि वी क्रिएटेड द सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स, जैसे हमने लेजर अकाउंट बनाया था, ठीक है, हमने लेजर अकाउंट बनाए थे। उसके अलावा हमने जो है वो, ठीक है, बहुत सारे जैसे बैंक का अलग से अकाउंट बना था, कैपिटल का अलग से अकाउंट बना था, कैश का अलग से अकाउंट बना था, ठीक है। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट तरह के अकाउंट्स जो है वो हमने क्रिएट किए थे। तो उसके अलावा, ठीक है, हम जो है वो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, मैंने अभी तक जैसे आपने जितने भी मैंने पेपर चेक किए हैं उसमें मेनली देखा कि जनरल ऑलमोस्ट काफी स्टूडेंट्स को क्लियर है, ठीक है। बाकी कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो है, मोस्टली स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि जिन्होंने जो है वो लेजर जो है वो ठीक ढंग से नहीं किया है, ठीक है। बाकी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पहले हमने जैसे फर्स्ट यूनिट में हमने किया था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने आपको बताया था कि देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, एक था पर्सनल अकाउंट, ठीक है, दूसरा इज रियल अकाउंट एंड थर्ड वन इज द नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में आई टोल्ड यू कि पर्सनल अकाउंट रिलेटेड विद द पर्संस, वेदर दे आर आर्टिफिशियल और नेचुरल पर्संस और ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्संस। तो मतलब नेचुरल पर्सन का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग कोई भी जो जीता जागता इंसान है जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति का नाम आता है, जैसे कोई भी कमल है,
ठीक है, रवि है, राकेश है, जहीर है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिसका नाम आए किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर। बाकी उसके अलावा आर्टिफिशियल पर्सन मैंने आपको बताए थे, जिसके अंदर किसी भी कंपनी, इंस्टीट्यूशन, सोसाइटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम आते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो है वो हम इसके अंदर ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्सनल अकाउंट्स भी हम बनाते हैं। जैसे अगर सपोज हमने अगर जैसे सपोज हम इंश्योरेंस वगैरह हैं, या कोई सैलरी है, या कोई रेंट है, या कोई वेजेस हैं, अगर हम उसको ऑलरेडी पे करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने क्या कर दिया, हमने पूरी एक साल का, मान लो जैसे 12 मंथ्स होते हैं एक साल के अंदर, तो उसका हमने मान लो हमने बिल्डिंग का इंश्योरेंस प्रीमियम हमने जनवरी मंथ में पे कर लिया। जब आप जनवरी मंथ में पूरे वन ईयर का, यानी कि जनवरी टू दिसंबर 12 मंथ्स का जब आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड, उसको प्रीपेड बोलते हैं, क्योंकि हमने वो एडवांस में पे कर लिया है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ फर्म्स, जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम में क्या हो रहा है, कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ फर्म्स जो है वो एक तरह से अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पा रही हैं, तो अगर उन एम्प्लॉयज ने मान लो वहाँ पर काम किया है ऑलरेडी, ठीक है, तो उनको हमें सैलरी तो देनी पड़ेगी। मान लो लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी हमने अपने एम्प्लॉयज को नहीं दी है, तो वो जो सैलरी है उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, या आउटस्टैंडिंग रेंट होता है। जैसे मान लो अगर आप बिल्डिंग में कहीं आप रह रहे हैं, या आपने वो किसी बिजनेस पर्पज के लिए आपने जो है वो एक तरह से बिल्डिंग आपने रेंट पे ली है, ठीक है, तो अभी तक आपने लास्ट 3 मंथ्स का जो है वो एक तरह से किराया नहीं दिया है, ठीक है, तो उसके लिए जो हम क्या करते हैं, हेलो अनमोल, हेलो अनमोल, अनमोल अनम्यूट करिए, यू वांट टू आस्क समथिंग, हेलो हेलो, चलिए एनीवे, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल पर्सन्स की, ठीक है, या ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स की। तो हमारे पास अगर हम जो भी हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, ये सब आते हैं हमारे ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट का जो पहला गोल्डन रूल हमने डिस्कस किया था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द, ठीक है, तो उसके बाद दूसरा अकाउंट मैंने आपको बताया था रियल अकाउंट, ठीक है, रियल अकाउंट है दैट इज रिलेटेड विद द डिफरेंट थिंग्स, जस्ट लाइक जैसे कैश है आपके पास, मशीनरी है, बिल्डिंग्स हैं, या कोई भी रियल चीज़ है, चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इंटेंजिबल है। तो टेंजिबल के अंदर आपके पास आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एनी टाइप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास मशीनरी है, कैश है, फर्नीचर है, स्टॉक है, जिसको आप छू सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, वो हमारा टेंजिबल रियल एसेट होता है। इंटेंजिबल रियल एसेट्स के अंदर आते हैं दोज एसेट्स विच हैज सम वैल्यू for the firm, for the business, but they can't see, which we can't touch. जैसे goodwill है, patent rights है आपके पास, copyrights हैं, ठीक है, ये सब आते हैं उसके अंदर। तो बाकी real account में मैंने आपको बताया था जो second golden rule, debit what comes in and credit what goes out. उसके बाद third जो account आता है आपके पास, that is nominal account. देखिए in nominal account we only, ठीक है, discuss the four things. जैसे one is income, सेकेंड इज एक्सपेंडिचर, थर्ड इज, ठीक है, प्रॉफिट्स गेन्स, और फोर्थ वन इज लॉस, यानी कि अकाउंट्स रिलेटेड टू द इनकम, ठीक है, रेवेन्यू, गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर टर्म्स आर नॉमिनल अकाउंट्स। इसके अंदर आपके सिर्फ चार चीजें आएंगी, देखिए इसके अंदर जितने भी आपके खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं या लॉस है, उसको हमेशा डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जितनी भी इनकम्स हो रही है। मान लो हमें सर, ठीक है, रेंट आ रहा है बिल्डिंग का, या हमें किसी भी तरह का जो वो कमीशन हमें मिल रही है कहीं से हमें, ठीक है, कोई भी दूसरी तरह का डिस्काउंट मिल रहा है, उसको हम करेंगे, ठीक है, क्रेडिट। हाँ, अगर हम एक्सपेंसेस हैं, जैसे हम सैलरी पे कर रहे हैं, आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, या सैलरी किसी को वेजेस दे रहे हैं मजदूरों को, तो सबको हम डेबिट करते हैं। अगर लॉस होता है वो भी डेबिट होगा, अगर प्रॉफिट्स होते हैं वो आपको खाओगे क्रेडिट।
ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस किया था फर्स्ट यूनिट में। बाकी मैंने आपको बताया था, ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो उसमें क्या था, ठीक है, तो मैंने देखा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने जो है वो जो अकाउंटिंग जैसे कंसेप्ट हमने किए थे, इसी को ही हम जो है वो जनरली अकाउंटिंग, ठीक है, जीएपी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं, ठीक है। हमने 10 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे, जैसे सबसे पहला था आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है, जैसे आई टोल्ड यू अर्लियर कि द बिजनेस यूनिट एंड द, ठीक है, द बिजनेस यूनिट एंड द पर्सन हु इन्वेस्टेड द कैपिटल टू स्टार्ट दैट बिजनेस, जिसको हम ओनर बोलते हैं, मालिक है, ठीक है, द ओनर एंड द बिजनेस, दे बोथ आर द सेपरेट एंटिटीज, दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी पैसा मालिक एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल, और जितनी कैपिटल होती है बिजनेस के पास उतनी ही जो है वो उसके पास क्या हो जाती है, ठीक है, कैपिटल, उतने ही उसके जो है वो एसेट्स हो जाते हैं। इसलिए जो मेन अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा था, जितने भी एसेट्स होंगे उतने ही आपके पास जो है वो एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, जो कैपिटल, जैसे अगर आपने सपोज 20 लाख से आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो 20 लाख क्या हो गया, वो हो गया हमारा कैपिटल, ठीक है। तो जो 20 लाख से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बदले में आपने जो जो भी एसेट्स खरीदे हैं, उसके अलावा आपने कोई मशीन खरीदी है, उसके अलावा आपने जो कोई स्टॉक खरीदा बिजनेस के लिए, या कुछ पैसा आपके पास कैश के रूप में है, लिक्विड मनी के रूप में है, या बैंक के अंदर डिपॉजिट है, ठीक है, ये सब होते हैं एसेट्स। मतलब जितनी ही कैपिटल थी, और दूसरी जो देनदारियां हैं, लाइबिलिटीज होती है, मतलब देनदारियां, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए क्रेडिटर्स हैं आपके पास, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिसको हमने जो है वो पैसा वापस करना होता है, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, आपके पास होती है, उसके अलावा आपके पास होता है दूसरी लाइबिलिटी, जैसे बिल्स पेएबल, जैसे अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई भी गुड्स, कोई भी सामान अगर खरीदा है, और वो हमने कैसे खरीदा है, उधार पर खरीदा है, तो उसके बदले में हमें क्या करना है, ठीक है, अगर वो पैसा अभी तक हमने वापस नहीं किया है, तो फ्यूचर में हमें जो पैसा है वो वापस करना पड़ेगा, जैसे हमने जो बिल्स हैं उसके वो पे करने पड़ेंगे, अभी तक जो हमने पे नहीं किए हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी दूसरी लाइबिलिटीज होती हैं, जनरल रिजर्व होता है, ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा दूसरा है आपके पास मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वी ओनली रिकॉर्डेड ऑल दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ मनी और मनी इज वर्थ, मतलब सिर्फ जो मनी के रूप में लेन देन होते हैं, ट्रांजेक्शन होती हैं, सिर्फ वही हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स की बुक में, बुक्स में, बाकी जिसको मनी के रूप में मेजर नहीं कर सकते, उसको आप कभी भी जो है वो अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यही आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोलता है। कोइंग कंसर्न में क्या था, कोइंग कंसर्न के अंदर होता है, ठीक है, देखिए जितने भी ट्रांजेक्शन होती हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है बिजनेस के अंदर, वो जरूरी नहीं कि आपकी वन ईयर के लिए हो रही है या सिक्स मंथ्स के लिए हो रही है, दैट विल एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इसका मतलब ये है कि हम ये मानकर चलते हैं कि जो बिजनेस है आपका वो लंबे समय तक जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि अगर हम बिजनेस को अगर हम, ठीक है, लिक्विडेटेड वन मानते हैं, लिक्विडेटेड का मतलब होता है कि अगर आपको लगता है कि आपका जो बिजनेस है वो एक साल के अंदर अंदर या पिछले छह महीने या ये दो साल के अंदर बंद हो जाएगा, तो कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी सप्लायर जो है वो उस बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, एक बिजनेस को जो है वो, ठीक है, ये मानते हैं कि दैट विल गोइंग ऑन एंड ऑन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो आप ऑलरेडी पे करते हैं, उसको आप, हम जो है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस के रूप में उसकी वैल्यूएशन करते हैं। जैसे मैंने इंश्योरेंस में बताया कि अगर आप इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है पूरे साल के लिए एक साथ पे करते हैं, तो उसको जो है वो अगले 12 महीने तक हम प्रीपेड के रूप में जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। इसी तरह से जो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट था, ड्यूल एस्पेक्ट के अंदर, ठीक है, वी डिस्कस विद द व्हेन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ, ठीक है, ट्रांजेक्शंस इन बिजनेस दे हैव टू फोल्ड, इट मींस व्हेन यू आर गिविंग सर्टेन बेनिफिट्स, ठीक है, यू आर ऑल्सो रिसीविंग द सर्टेन बेनिफिट्स, यानी कि जब आप कोई चीज खरीदते हो या कोई बेनिफिट आप किसी को देते हो या कोई बेनिफिट आप लेना चाहते हो, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ जो देना भी पड़ता है और कुछ ना कुछ लेना भी पड़ता है। जैसे, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जब आप कोई भी शॉप से सामान खरीदते हैं, अगर आपने 100 रुपीज का सामान खरीदना है, तो आपको 100 रुपीज देने पड़ेंगे तभी आपको वो चीज़ मिलेगी,
ठीक है, यानी कि एक तो आपने 100 रुपीज दिए और आपके पास दूसरे उसके बदले में कुछ चीजें आएंगी, ठीक है। इसलिए हमेशा जितनी भी आपके पास असेट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उतनी ही कैपिटल और लाइबिलिटीज भी होती है, यानी कि इसलिए हम हर एक ट्रांजेक्शन के एक एस्पेक्ट को आप डेबिट करते हैं और दूसरे को आप क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है, जो हमने जर्नल में किया था। पीरियडिसिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि जितना भी आपका पूरा बिजनेस है उसको डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में हम बांटते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो बिजनेस होता है, अगर वो 20 इयर्स तक काम कर रहा है या 10 इयर्स तक मान लो उसकी लाइफ है, तो हम उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो बिजनेस की जो लेन देन है, उसको आप लगातार, ठीक है ना, आप ये नहीं करेंगे कि आप 10 साल के बाद जो है वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप क्या करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एवरी ईयर, एवरी, ठीक है, आफ्टर 6 मंथ्स या आफ्टर 1 ईयर, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है, उसमें हम हर एक बिजनेस को डिवाइड करते हैं। जैसे एक जो बिजनेस है वो पूरे के पूरा जो है वो अलग अलग सेगमेंट्स में बांटा जाता है, और मेनली ये जो सेगमेंट होता है दैट इज ऑफ 12 मंथ्स, जो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। इसलिए हर साल के एंड में आपने देखा होगा कि हर एक बिजनेस कंसर्न्स, हर एक कंपनीज अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपनी पूरी जो वित्तीय परिस्थिति है, फाइनेंशियल पोजिशन है, वो स्टेटमेंट के द्वारा जो है वो शो करती है, जो हम अभी आगे जो है वो फाइनल अकाउंट्स में बनाएंगे। इसमें 3 स्टेटमेंट आप बनाएंगे, एक बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरी बनेगा बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट था, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली देखो, जितना भी आपके पास कोई भी आप असेट्स अगर आप खरीदते हैं, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट जितने भी आपने उसमें अंदर इन्वॉल्व की है, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर आपने एक मशीनरी जो है वो 10 लाख रुपीज में खरीदी थी, ठीक है, तो आपको उसकी जो कॉस्ट है वो 10 लाख ही आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। या अगर आपने कोई कार जो है वो 6 लाख रुपीज में परचेज की है बिजनेस के लिए, तो एक्चुअल में जो उसकी कॉस्ट है वो 6 लाख ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और उस 6 लाख के ऊपर हम क्या करेंगे, हर साल उसकी जो वैल्यू है धीरे धीरे वो डेप्रिसिएशन के रूप में कम करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हर साल उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहेगी, जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द नीड, द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स आर डिक्रीज्ड। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ एसेट्स हमारे जैसे मशीनरी है, कार है, ठीक है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसलिए हर साल अगर हमने 10 लाख की मशीन खरीदी है, तो उस पर हम क्या करेंगे, एक साल के बाद उसकी वैल्यू 10 लाख नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू कम होकर जो है वो धीरे धीरे, पहले जैसे मान लो 10% है, तो पहले 9 लाख हो जाएगी, फिर 9 लाख से और कम हो जाएगी, इस तरह से हम उसके ऊपर डिप्रेशन चार्ज करते रहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। फिर उसके बाद हमने मैचिंग कंसेप्ट किया था। मैचिंग कंसेप्ट के अंदर क्या है, जितने भी आपके पास कॉस्ट हैं, दे आर ऑलवेज कंपेयर्ड विद द रेवेन्यू एसोसिएटेड विद द सेम पीरियड। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जब हम कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उसमें हम एक ही पीरियड, ठीक है, जैसे है, जैसे आपके पास एक ही पीरियड है, सपोज हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो गया है 31 मार्च तक, ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये है 2019-20, ठीक है। तो ये 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसके अंदर हम जो है वो क्या करेंगे, ठीक है, इसी फाइनेंशियल ईयर की आप रेवेन्यूज लेंगे, रेवेन्यूज मतलब इनकम इन्हीं 12 महीने के, और इन्हीं 12 महीने के आप एक्सपेंसेस लेंगे, ठीक है। तो जब आप एक ही साल के रेवेन्यू लेंगे, एक ही साल के जो है वो एक्सपेंडिचर लेंगे, तभी हमें एक्चुअल प्रॉफिट का जो है वो पता चलेगा। आप ये नहीं कर सकते कि हम आपकी जो इनकम है, ठीक है, वो आपने जो है वो 2018-19 की ले ली है, आपने जो एक्सपेंडिचर है वो 2019-20 के लिए ले लिया, उससे आपको जो है एग्जैक्ट पोजिशन का पता नहीं चलेगा। उसके बाद, ठीक है, रियलाइजेशन कंसेप्ट का मतलब क्या था, कि जितने भी आपके पास रेवेन्यूज हैं, ठीक है, वो तभी होगा जब आपकी जो है वो एक्चुअल में, ठीक है, आपकी सेल होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सेल हम कब मानते हैं, जब हमारे जो है वो प्रॉपर्टीज या ओनरशिप जो राइट्स हैं वो आपके पूरे के पूरे जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं बायर से सेलर के लिए, ठीक है, सेलर से बायर के लिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका हायर परचेज सिस्टम होता है, हायर परचेज सिस्टम हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो है वो हम एक, जैसे आप कार खरीदते हैं, तो कार आप EMIs पे खरीदते हैं, तो अगर आपने 12 महीने की EMIs या 2 साल की EMIs हैं आपके पास, तो जब तक आप पूरी लास्ट EMI आप पे नहीं करेंगे, तब तक आपको जो है उसके ओनरशिप राइट्स आपको जो है वो एक तरह से ट्रांसफर नहीं होंगे, तो ठीक है। इसलिए जब तक आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होगी, उसके बाद ही आप उसके ओनर जो है वो माने जाते हैं।
उस तरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है, मान लो आप किसी कंपनी के साथ 5 years के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सर्विसेज देने के लिए या किसी भी दूसरे टास्क के लिए, जब तक वो 5 साल तक अपना कंप्लीट काम नहीं करेंगे और जब तक आपको उसके बदले में पूरा पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं मान सकते। उसके अलावा एक्रूअल कंसेप्ट होता है। एक्रूअल में हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो आपके पास रेवेन्यू है, इनकम है, वो एक्चुअल में आप कब उसको जो है वो रियलाइज करेंगे या एक्चुअल में आपको जो है वो कब जो है वो इनकम आप उसको मानेंगे। देखो जो इनकम है हम कब उसको मानते हैं, जब आपने अपना जो टास्क है वो कंप्लीट कर लिया है, ये नहीं कि जिस दिन आपको आपकी रिसिप्ट हुई है, यानी कि जब आपने वो पैसा जो है वो प्राप्त किया है। मान लो आपको कोई टास्क दिया है, आप कोई ठीक है होटल्स के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं, अगर वहाँ पर आपने 10 days काम कर लिया है, ठीक है, तो 10 days के बाद आपने जो जो वो टास्क कंप्लीट कर दिया, पूरी आपने सर्विसेज कर ली हैं, तो 10 days के बाद जितना भी उन्होंने आपको प्रॉमिस किया है, मान लो उन्होंने आपको 50,000 देना है, तो 50,000 आपकी जो है वो उस दिन इनकम कंप्लीट हो जाएगी, चाहे वो 50,000 आपको जो है वो नेक्स्ट मंथ या कभी भी 2, 3, 4 months के बाद आपको वो एक्चुअल में मिलते हैं, उसका हमें कोई मतलब नहीं है। तो जिस दिन आपने काम कंप्लीट कर दिया उसी दिन वो इनकम हम उसको कंप्लीट मानेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट है हम आपका लास्ट। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी आपकी ट्रांजेक्शन होती हैं दे मस्ट हैव द सम प्रूफ, ठीक है, दे मस्ट हैव द सम, ठीक है प्रूफ सम वेरी डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ इट्स। जैसे कि आपने कोई भी चीज गुड्स परचेज की है या आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है या आपने कोई बिल पे किया है, तो आपको उसकी बिल की जो कॉपीज हैं, जो बिल के जो आपके पास जो मेमोज हैं, वो आपको जो है वो साथ में अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, उसके बाद हमने जो है वो सेकंड यूनिट में आपने किया था जर्नल, ठीक है, तो जर्नल में हमने मेनली जो है वो जर्नल एंट्रीज की थी, ठीक है। तो जर्नल में मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो देखिए जर्नल सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ब्रीफ में, जर्नल में हमने ठीक है जर्नल होता क्या है। देखो जर्नल क्या है, जर्नल एक्चुअली इज अ ठीक है प्राइमरी बुक, या इट वी कैन ऑल्सो कॉल इट द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब जितने भी आपके बिजनेस के अंदर लेन देन है, जितने भी ट्रांजेक्शन हुई हो रही हैं रोजमर्रा के बिजनेस में, ठीक है, उन सबको हम जो है वो ठीक है उन सबको हम क्या करेंगे, उन सबको हम जो है वो एक तरह से रोजमर्रा के बिजनेस में हम एक एक करके बारी बारी से जो है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो जितने भी गुड्स जैसे हमने आज अगर खरीदी है, जितने भी गुड्स अगर आज हमने बेची हैं, तो उन सबको हम जो है वो उसी ऑर्डर में उसी तरह से जो है वो उसको रिकॉर्ड करते रहेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जर्नल में, ठीक है, तो जर्नल का जो फॉर्मेट मैंने आपको डिस्कस किया था आपके साथ, सबसे पहले जर्नल में देखिए क्या होता है, सबसे पहले डेट का कॉलम होता है, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स आता है, उसके बाद आपका लेजर फोलियो होगा, डेट कॉलम आपका डेबिट अमाउंट का होगा, ठीक है, ऐसे ही आपका फॉर्मेट है, और एक कॉलम आपका जो है वो क्रेडिट अमाउंट का होगा। तो कहने का मतलब डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है कि जितना आपने बेनिफिट लिया है और जितना बेनिफिट आप दे रही हैं हर एक ट्रांजेक्शन से, उसके दोनों एस्पेक्ट को आपने डेबिट और क्रेडिट करना है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपने क्या करना है, हर एक ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को जो है वो एक को डेबिट करना है, एक को क्रेडिट करना है। जैसे मैंने आपको जर्नल में आपको बताया था, ठीक है, जैसे आपके पास एक इलेक्शन है, ठीक है, तो जब भी आप कोई भी जर्नल एंट्रीज करते हैं तो आपको वो 3 जो गोल्डन रूल्स हैं, पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट का डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इन तीनों जो एक तरह से आपके गोल्डन रूल्स हैं उनको आपने अपने माइंड में जो है वो हमेशा याद रखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको जर्नल में ठीक है थोड़ा सा ये जर्नल आपको डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपको जो है वो थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। जैसे पहला जो कोई जैसे है पहली ट्रांजेक्शन है इसके अंदर, ठीक है, स्टार्टेड विद अ कैपिटल ऑफ ₹60,000। देखो जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आई टोल्ड यू अर्लियर द अमाउंट इन्वेस्टेड टू स्टार्ट अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, तो जो वो हमारा कैपिटल होता है। तो जैसे हमने क्या करना है, हमेशा जो है वो उस बिजनेस को सामने रखना है जिस बिजनेस का आप जो है वो जनरल तैयार कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं शंकर एंड कंपनी का आप जनरल बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं, शंकर एंड कंपनी का। तो शंकर एंड कंपनी के जब आप जनरल तैयार करेंगे तो आपने ये देखना है कि जब
60,000 रुपीज जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट हुई है, तो शंकरन कंपनी के पास क्या आया? देखो जवाब, कंपनी के पास क्या आया इस केस में? कैश। इस केस में कैश आया है तो कैश को आप करेंगे डेबिट, ठीक है। और दूसरी तरफ, ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जब कैश जो आया है वो उसके बदले में हमारे बिजनेस की एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, और वो क्रिएट हो गई है कैपिटल के रूप में, क्योंकि 60,000 रुपया जो शंकर ने अपनी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया है, शंकर एंड कंपनी के ऊपर, वो कैपिटल है। वो कैपिटल क्यों है? क्योंकि जो 60,000 रुपया उसने इन्वेस्ट किया है, आने वाले टाइम में आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 6 मंथ्स, जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो भी शंकर को ही बियर करना पड़ेगा। जो भी इनकम होगी, जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे, वो सब शंकर के होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो 60,000 है वो धीरे धीरे प्रॉफिट के रूप में बिजनेस जो है वो शंकर एंड कंपनी किसको वापस करेगी? शंकर को वापस करेगी। तो इसलिए इस केस में हमारे पास जो कैश है वो रियल अकाउंट का है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, देखिए ये आपकी एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैपिटल आपकी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट की जाती है, और जो कैश है, कैश आपके पास आ रहा है तो कैश को आप डेबिट करेंगे। उसी तरह से कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पेड इन टू बैंक 30,000। इसका मतलब ये हुआ कि हमने बैंक को 30,000 दिए, दिए का मतलब हुआ कि ये हमने डिपॉजिट किए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने बैंक को जो 30,000 रुपया बैंक में जमा किया। इस केस में जो है वो हम क्या करेंगे कि जो बैंक है, आपका बैंक क्या है? बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ। बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो बैंक को हम यहाँ पर वो डेबिट द रिसीवर, उसको आप डेबिट करेंगे, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्या दिया उसके बदले में? हमने कैश दिया बैंक को, तो कैश आपका यहाँ पर क्रेडिट होगा, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी आपके पास। और नीचे आप नरेशन में लिखेंगे बीइंग, ठीक है, कैश पेड इनटू बैंक, यहाँ बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसी तरह से परचेज्ड गुड्स फ्रॉम कमल ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000, जैसे हमने कमल से 10,000 रुपए की चीजें खरीदी, सामान खरीदा, गुड्स, और वो कैसे खरीदी है? इसने सीधा लिखा है क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है उधार पर, ठीक है। जब इसने गुड्स उधार पर खरीदी है कमल से, ठीक है, यहाँ पर बिजनेस के पास को सामने रखना है, बिजनेस के पास क्या आया? बिजनेस के पास आया है गुड्स, यानी कि परचेजेस हुई है, तो हम यहाँ पर परचेज को डेबिट करेंगे, और टू, ठीक है, दिया किसने? हु इज द गिवर? कमल, तो कमल हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है, तो कमल इज द गिवर, उसने बेची है, हमने खरीदी है, यानी कि शंकर एंड कंपनी ने खरीदी है, तो यहाँ पे एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट, इस तरह से दिस इज द एंट्री। उसके बाद पेड टू श्री राम, जैसे कोई श्री राम है उसको हमने कुछ पे किया, मतलब क्या है कि उसको हमने कुछ पेमेंट की, हो सकता कि हमने प्रीवियस कुछ पैसा उसको हमने देना हो, ठीक है, उसको हमने 4,920 रुपीज दिए। इस केस में जो श्री राम है, नाउ ही इज द रिसीवर, तो श्री राम होगा आपका डेबिट, ठीक है, और इसके बदले में हमने क्या दिया उसको? कैश, तो कैश गोज आउट, कैश रियल चीज रियल अकाउंट में आता है, डेबिट, ठीक है, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस केस में है जो आपका श्री राम है वो डेबिट होगा, और जो कैश है वो क्रेडिट होगा, तो एंट्री होगी आपके पास, देखिए, श्री राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लाइक दिस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम रुपीज 20, इसके साथ देखो एक दूसरी एंट्री है, देखो यहाँ पर उसने डिस्काउंट अलाउ किया है, ठीक है, डिस्काउंट ये किसने दिया है? श्री राम ने दिया है, यानी कि हमारी फॉर्म को, जो शंकर एंड कंपनी को डिस्काउंट मिला है, ठीक है, जब हमें डिस्काउंट मिलता है दैट इज प्रॉफिट, ठीक है, इस केस में हमें प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हु गेव द, ठीक है, हु गेव द डिस्काउंट, क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है, अच्छा, तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, उसने यानी कि हमें 80 रुपीज का डिस्काउंट दिया है यहाँ पर, तो इस केस में जो है वो जब हमें डिस्काउंट मिला है तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो, ठीक है, यानी कि श्रीराम को आप करेंगे डेबिट, ठीक है, श्रीराम को डेबिट करेंगे, और यहाँ पर जो है वो एक तरह से जो आपका डिस्काउंट है या कैश है वो आपका होगा क्रेडिट,
इस तरह से, ये आपकी एंट्री होगी कैश अलाउड बाय श्री राम, यानी कि 80,000 रुपीज जो है वो इस तरह से उसने अलाउ किए, ठीक है। उसके बाद है कैश सेल्स ऑफ रुपीज 20,000, यानी कि 20,000 के हमने जो है वो नगद विक्रय किया, चीजें बेची, ठीक है। जब हमने बेची है तो इस केस में आप क्या करेंगे, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि जब आप चीजें बेचते हैं तो उसके बदले में क्या आता है आपके पास, कैश आया, और ठीक है, और हमने सेल की यानी कि चीजें गई हैं, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, चीजें चली गई, तो सेल को हम करेंगे क्रेडिट, परचेज हमेशा डेबिट होती है, सेल हमेशा क्रेडिट होती है। देखो ये एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद है सोल्ड टू हमीद, हमीद हमने कुछ चीजें बेची, मतलब बेची हैं, यहाँ पर कहीं भी इसने कैश का मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब हमने हमीद को चीजें जो है वो उधार पर बेची, इट इज ऑल्सो क्रेडिट सेल। तो इस केस में आप क्या करेंगे, हमीद इज द रिसीवर, तो हमीद को हम डेबिट करेंगे और सेल को आप क्या करेंगे क्रेडिट, तो हमीद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, दिस इज द एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम भारत ऑन क्रेडिट, यानी कि भारत से हमने कुछ सामान खरीदा और वो कैसे खरीदा है, ठीक है तो हमने क्या किया, हमने जो है वो एक तरह से भारत ने क्या किया, भारत से कुछ सामान खरीदा और कैसे खरीदा, क्रेडिट के ऊपर। इस केस में जो परचेजेस हैं वो डेबिट होंगी और भारत को हम क्या करेंगे, भारत इज द गिवर, उसको आप करेंगे क्रेडिट, दिस इज द एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू भारत अकाउंट। उसके बाद पेड सैलरी रुपीज 4,000, अब क्या हुआ, शंकर एंड कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पेड की, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सैलरी, देखो सैलरी क्या है, दैट इज एन एक्सपेंस, तो जो एक्सपेंसेस होते हैं दैट हैज टू बी डेबिटेड अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एक्सपेंस आपके डेबिट होंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्या दिया उसके बदले में कैश, तो टू कैश अकाउंट, तो एंट्री होगी आपकी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम प्रेम, अब प्रेम से हमने जो है वो 2480 रुपीज का जो है वो, ठीक है, हमने उसे रिसीव किए यानी कि प्राप्त किए, जब आपने रिसीव किए तो कैश आया हमारे पास बिजनेस के पास, तो कैश को आप करेंगे डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, और क्रेडिट किसको करेंगे, प्रेम को, बिकॉज प्रेम इज द गिवर, तो प्रेम इस केस में क्रेडिट होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रेम्स अकाउंट। उसके बाद है अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ रुपीज 20, उसको हमने 20 रुपए का डिस्काउंट दिया, देखो यहाँ पर हमने डिस्काउंट दिया है तो इसमें जो है वो हमारे लिए डिस्काउंट क्या हो रहा है, लॉस, इट इज अ लॉस, यानी कि 20 रुपीज जो है वो डिस्काउंट हमने कम लिया है उससे, तो डिस्काउंट को आप डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, इट्स अ लॉस टू हु इज द, ठीक है, और किसको दिया है, प्रेम को दिया है, तो प्रेम को हम करेंगे क्रेडिट, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रेम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज रुपीज 5,000, हमने बैंक से जो है वो कितना निकाला, 5,000 निकाला, और किस लिए निकाला, ऑफिस यूज के लिए, यानी कि हमने बैंक से विड्रॉ किया तो हमारे पास क्या आया इस केस में, कैश, तो कैश आया है, हु इज द गिवर, गिवर इज द बैंक, तो बैंक को आप करेंगे क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस तरह से एंट्री होगी इसकी। नेक्स्ट क्या है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, अब हमने कुछ पैसा जो है वो पर्सनल यूज के लिए, यानी कि शंकर ने वो पैसा बिजनेस में यूज नहीं किया, उसने अपने घर के किसी और काम में, किसी पर्सनल यूज में यूज किया, देखिए द मनी विड्रॉन बाय द ओनर, ठीक है, फॉर हिज और हर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स का मतलब क्या हुआ, हम पर्सनल यूज के लिए पैसा, बिजनेस का पैसा यूज कर रहे हैं, तो इस केस में जो ड्रॉइंग्स है दैट इज ऑल्सो अ एक्सपेंस, उसको हम खर्चा बोलेंगे, ठीक है, तो यानी कि ड्रॉइंग होगा आपके पास डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू
क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्या दिया उसको, कैश दिया, तो कैश को करेंगे क्रेडिट, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद है पेड हनीफ बाय चेक ऑफ रुपीज 3000। अब हमने हनीफ को जो है वो 3000 रुपीज जो है वो कैसे पे किए, चेक से पे किए हैं। इस केस में देखिए क्या हो रहा है, देखिए जो हनीफ है ही इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, हनीफ को आप करेंगे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और यहाँ पर पैसा कहाँ से दिया, चेक के थ्रू दिया, और चेक कहाँ से पे होता है, बैंक से, तो बैंक इज द गिवर, तो बैंक को हम करेंगे क्रेडिट, तो हनीफ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो लाइक दिस, इसके अंदर आपने वही जो तीन गोल्डन रूल्स हैं वही फॉलो करने हैं, और उसी के हिसाब से जो है आपने हर एक ट्रांजेक्शन को जनरल में जो है वो उसको ट्रांजेक्शन करना है। देखिए उसके बाद इन द थर्ड यूनिट वी डिस्कस द लेजर, ठीक है। देखिए अगर मैं लेजर की बात करूं, देखिए जो लेजर है दैट इज मेनली, ठीक है, यूज फॉर क्रिएटिंग द सेपरेट अकाउंट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। यानी कि देखो अभी तक हमने जो किया, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग तो हमने कर ली है, हमने सारे के सारे लेन देन को, सारे के सारे ट्रांजेक्शन को कहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, जर्नल में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो है वो उसको जो है वो लेजर में पोस्ट करना है। लेजर में क्यों पोस्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू नो द बैलेंस ऑफ कैश, इफ यू वॉन्ट टू नो द बैलेंस ऑफ परचेजेस, इफ यू वॉन्ट टू नो द बैलेंसेज ऑफ सेल्स फ्रॉम द जनरल, यू कांट फाइंड इजली द बैलेंसेज ऑफ ऑल दोज अकाउंट्स। देखो अगर हमने कभी कैश का बैलेंस देखा है अपने जनरल से, ठीक है, तो हम उसको आसानी से नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि जनरल में क्या होता है कि अलग अलग डेट्स में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में जो है वो अलग अलग एंट्रीज को करते हैं, ठीक है। जब आप अलग अलग एंट्रीज को अलग अलग, ठीक है, कॉलम्स में अलग अलग डेट में आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस केस में जो है वो, ठीक है, क्या होगा, उस केस में जो है वो एक तरह से उसको हम आसानी से ढूंढ नहीं पाएंगे। उसामा, यू वांट टू आस्क समथिंग, उसामा अजमत, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ।